बैरकपुर लोकसभा केंद्र के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की अपने घर तृणमूल कांग्रेस में वापसी। रविवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कमेटी के महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी के हाथों तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामकर टीएमसी में हुए पुनः शामिल। पिछले एक महीने से बैरकपुर लोकसभा केंद्र से जूट मिल की समस्याओं को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और यहीं से शुरू हुआ अर्जुन सिंह के तृणमूल कांग्रेस में वापसी का सिलसिला। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह की आखिरकार लगभग 3 साल के बाद तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी हो गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रविवार शाम तक सांसद अर्जुन सिंह कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के साथ बैठक की। बैठक के पश्चात सांसद अर्जुन सिंह औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की उपस्थिति में फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके बाबुल सुप्रियो के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अब सांसद अर्जुन सिंह के बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को दोहरा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता के बालीगंज विधानसभा सीट का उपचुनाव जीता और विधायक बने, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में सांसद अर्जुन सिंह की अभी क्या भूमिका होगी और उन्हें क्या दायित्व मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सांसद अर्जुन सिंह बीजेपी सरकार के खिलाफ जूट मिल की समस्या को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, जिससे उनके दल बदल की अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार रविवार को स्थिति उस वक्त स्पष्ट हो गई जब सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी के संकेत दिए। सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि वह बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी उन्हें पार्टी में रख नहीं पा रही है। बैरकपुर के पार्टी ऑफिस से सांसद अर्जुन सिंह सीधे कोलकाता के लिए रवाना हुए। अंतिम खबर मिलने तक कोलकाता के अलीपुर स्थित एक होटल में सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे और फिर यहां से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी से मिलने उनके ऑफिस गए। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के इस कदम को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने के बाद से ही बीजेपी में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। बीजेपी के कई बड़े नेता एवं विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम वर्धमान जिले में पहली बार आपके शहर रानीगंज में कल्याणी ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं शानदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज वाले कोमा के इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर, जहां आपको मिलेंगी जापानी टेक्नोलॉजी युक्त इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमा की TN95। यहां आपको मिलेगी बैंक लोन की सुविधा। हमारा मोटो है राइट कोमा की, गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। कल्याणी ऑटोमोबाइल्स, NH2 पंजाबी मोड, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 7044743675।